हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो इस खुशी में हम आज मीठी सेवैयां बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि रक्षाबंधन में घेवर और मीठी सेवैयां बनाने का रिवाज होता है, तो उस तरह से आज हम मीठी सेवैयां बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल ट्रिक के साथ, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाना है। मीठी सेवैयां बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। ये सेवैयां दो तरह से बनाई जाती हैं, या तो आप इसको दूध के साथ बनाइए या बिल्कुल चीनी के साथ बनाइए सूखा। ये दोनों के साथ ही अच्छी बनती हैं, तो आज हम सूखी बना रहे हैं चीनी के साथ और कुछ स्पेशल ट्रिक के साथ बना रहे हैं जो उसके स्वाद को दुगना बनाएगा। तो इसके लिए हम सामान देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमने एक कटोरी बारीक वाली सेवैयां ली हैं, रोस्टेड है, और कुछ नट्स लिए हैं। इसमें हमने काजू और पिस्ता लिया है, आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं। और हाफ कटोरी के बराबर हम चीनी डाल रहे हैं इसमें, और ये हम डाल रहे हैं नारियल का बुरादा, ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। और ये कुछ किशमिश लिए हैं हमने भिगो के, और हम फ्लेवर देंगे इसमें वो है इलायची का, तो इसके लिए हमें 4-5 इलायची ली है फ्लेवर देने के लिए। तो अब इसे तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी सेवैयों को थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा बन जाए। फ्राई हमने गर्म होने के लिए रख दिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर देसी घी डालेंगे, और अपने सेवैयों को हम हल्का हल्का भून लेंगे, क्योंकि ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, पहले से फ्राई है। बस हम थोड़ा सा घी का फ्लेवर दे देंगे इसमें, तो और ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। लगभग 2-3 मिनट तक भूनेंगे इसको, जब तक थोड़ी सी ब्राउन सी नहीं जाती है। ये रेसिपी हम खास रक्षाबंधन के लिए बना रहे हैं। वैसे तो आप ऑर्डिनरी डे में भी बना सकते हैं इसको, मीठे में कुछ खाने का मन करे तो ये फटाफट बन जाता है। हमारी सेवैयां भुन चुकी है, अब हम इनको निकाल लेंगे। और इसी में ही हम अपने नट्स फ्राई कर लेंगे, क्योंकि घी तो बचा ही है। इनको भी हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसमें भी अच्छा सा टेस्ट आए। हम इसको निकाल लेंगे। हम इसी कढ़ाई में हम जिस कटोरी से हमने सेवैयां ली थी उसी कटोरी का 1.5 गुना पानी डालेंगे। आधी और डालेंगे और इसका बॉईल आने का इंतजार करेंगे। पानी में बॉईल आ चुका है, इसमें हम भुनी हुई अपनी सेवैयां डाल देंगे। और इसको चला लेंगे। इसी टाइम हम अपने भिगोए हुए किशमिश डाल देंगे, इनको भी इसके साथ पका लेंगे। हमें इन और सेवैयां को गलाना है, गैस को बिल्कुल लो रखना है। अब इसको ढक देंगे हम, ढक के 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे दूध में नहीं पकाना है, तो इसे हम इसे पानी में ही पकाएंगे। और अब इसमें आप चाहे तो इसको पीस के डाल लें, या तो साबुत डाल लें छीलके ऐसी इलायची, तो फ्लेवर चला जाएगा इन सब में। और फिर ढक देते हैं इसको, एक बार और चेक कर लेंगे। पानी हमारा सारा सूख गया है, अब हम इसमें अपनी चीनी ऐड कर देंगे। 1/2 कटोरी ली है हमने, अब इसको भी अब हम इस चीनी के साथ पकाएंगे। गैस अपनी बिल्कुल लो रखनी है, गैस तेज रखेंगे तो जल जाएगी। और एक बार अगर इस टाइम आप इसमें कुछ कलर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, या केसर यूज करना चाहते हैं तो केसर यूज कीजिए, या कलर डालना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। मैं इनमें से कोई यूज नहीं कर रही, मैं इसमें चुटकी भर हल्दी यूज करूंगी, चुटकी भर हल्दी यूज कर रही हूँ। अब इसे ढक के हम पकने देंगे जब तक ये सारा इसका चीनी का रस सूख नहीं जाता।
एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो हम अपने ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं जो हमें रोस्ट किए हैं, और नारियल का जो पूरा था वो डाल रहे हैं। और इसको पकने देंगे। एक बार और चेक कर लेंगे। बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब इसको हम ढक के थोड़ा और पकाएंगे। क्योंकि हमने इसमें दूध तो यूज किया नहीं है, तो इसे हमें भाप में ही पकाना होगा। एक बार और चेक कर लेंगे। अब हमारी सेवियां तैयार हो चुकी हैं। बस अब हम इनको ढक के 5 मिनट भाप में खिली खिली बनने देंगे। पांच मिनट इसको भाप में छोड़ेंगे। गैस हम बंद कर देंगे अपनी। अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब एक बार चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड कितनी खिली खिली बनी है और पूरी तरह से पक चुकी है। अगर आपको इसमें पानी कम लगे तो आप 1.5 कटोरी के बदले 2 कटोरी भी यूज कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी गल गई है और खिली खिली भी बनी है। देखिए फटाफट सर्व कर लेते हैं इसको। सर्व कर लिए। अब इसको हम एक पेस्ट देंगे जो हमने बोला था कि हम एक पेस्ट के साथ बना रहे हैं इसको। इसमें हम डालेंगे अपनी ठंडी ठंडी रबड़ी, 1 बार इस कॉम्बिनेशन को बना के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये हमारी रबड़ी है फ्रेश फ्रेश। थोड़ा सा इसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट, काजू और पिस्ता, और एक गुलाब की पत्ती के साथ इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारी सेवइयां बनके तैयार हो गई हैं, तो बहुत ही अच्छी बनी है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए रक्षाबंधन में, आपको बहुत पसंद आएगी। फटाफट बनती है और सूखी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप रक्षाबंधन पे इसको बना के अपना रक्षाबंधन फेस्टिवल इंजॉय कीजिए। और ट्विस्ट के साथ बनाएंगे, रबड़ी के साथ कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स हैप्पी रक्षाबंधन, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक्स।